का यूज कैसे करते हैं उसके बारे में। चलिए फर्स्ट लॉ हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट लॉ यहां पर है, इफ ए इज एनी रियल नंबर। देखिए रियल नंबर का मतलब कि कोई भी नंबर जो आप सोच सकते हैं, ठीक है, बस इमेजिन मत करिएगा। इमेजिन करेंगे तो वो उनको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर्स, जो कि सच में एग्जिस्ट नहीं करते, और आप ये पढ़ेंगे 11th में। तो खैर उसके बारे में छोड़ देते हैं बातें, हम रियल नंबर के बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए कोई ए नंबर है जो कि रियल नंबर है और एम एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन क्या होगा कि हम इस तरीके से ऑपरेट करेंगे। मीन्स ए टू द पावर एम रहेगा और मल्टीप्लाई करेंगे यदि ए टू द पावर एन से, मतलब दोनों में क्या सिमिलरिटी दिख रही है, बेस सेम है, देखिए ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है, तब क्या करेंगे कि पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। ये फर्स्ट लॉ है, याद कर लीजिए। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब भी बेस बराबर रहेंगे पावर डिफरेंट रहेगा। पावर सेम भी हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कि बेस यदि बराबर रहेंगे तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 to the power हमारे पास है 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 5, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो लेंथी मेथड है और एक जो है लॉ का यूज़ करके। तो एक लेंथी मेथड क्या है, मतलब इसको एक्सपेंड करके, जैसे 2 into 2 into 2 इसको लिखेंगे आप 4 बार, फिर इसको लिखेंगे 5 बार 2 को, फिर सबको मिला करके जोड़ के लिखेंगे 2 to the power 9, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन आप यदि लॉ लगाएंगे तो बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर कर सकते हैं 2 to the power 9, केवल ऐड कर लेना है 4 और 5 को। मीन्स मैं यदि ऐसे लिखूँ तो ज़्यादा बेहतर लगेगा आपको, 4 plus 5 मीन्स आप हो जाएगा 2 to the power 9। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट लॉ केवल बेस बराबर रहेगा तभी यूज होगा। एक और बात यहाँ पे मैं एक क्रिटिकल बात बताना चाहता हूँ। यदि मान लीजिए आपके पास ऐसा दिया हुआ है दो नंबर्स, 3 to the power लेट सपोज -2, अब निगेटिव में पावर दिया हुआ है और मल्टीप्लाई करना है 3 to the power 4 में, तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही रूल लगाएंगे, फर्स्ट लॉ ही। तो कैसे लगाएंगे ये समझ लीजिए। तो फर्स्ट लॉ यहाँ पर लगाएंगे तो इस तरीके से लगाएंगे, आप जैसे ये ऊपर लगा रहे हैं ठीक एग्जैक्टली वैसे ही लगाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, मतलब लेकिन ऐड करने का तरीका जो है आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इन दोनों को ऐड करना है तो ऐसे कर लीजिए -2 plus 4, ठीक है, और 3 का power है -2 और -2 में यदि 4 में ऐड करेंगे तो बड़े वाले में छोटे वाले घटाते हैं, मीन्स 4 minus 2 होगा, मतलब 2 होगा, और पॉजिटिव इसका रहेगा क्योंकि 4 बड़ा है 2 से, दैट्स वाई 3 to the power 2 आ जाएगा। और इसको हम जब इवेल्यूएट करेंगे तो 9 आएगा, 3 3 9, दो बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 को बेस को। तो मतलब निगेटिव पावर रहेगा तब भी हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक लंबा प्रोसेस आपको बता देता हूँ, लंबा यहाँ पर, जैसे कि लेट सपोज 4 to the power 1 है, मल्टीप्लाई किए हैं 4 to the power -2 में, मल्टीप्लाई किए हैं 4 to the power -3, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 to the power 5। अब इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब इसका पूरा यदि हम कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? देखिए सबका बेस बराबर है तो हम क्या करेंगे, सबके पावर्स को, सबके जो एक्सपोनेंट हैं उन सबको ऐड कर देंगे, राइट। तो 1 यहाँ पे पावर 1 है, 1 प्लस ब्रैकेट में लिखिएगा इसको -2, फिर प्लस इसको भी ब्रैकेट में लिखिएगा -3, फिर +5, ठीक है, ऐसे करना होगा, फिर इक्वल टू 4 to the power, देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 minus 2, और यहाँ प्लस माइनस माइनस -3, फिर +5, ठीक है। तो फाइनली यदि हम यहाँ पर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, देखिए 4 to the power 1 minus 2, सारे नेगेटिव को एक साथ करिए और पॉजिटिव को एक साथ करिए पहले, 4 to the power देखिए 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 माइनस और -2 -3 -5 मीन्स हो जाएगा 4 to the power 1, मतलब कि 4 आएगा, 4 का power 1 वैल्यू आया, मतलब 4 आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए कैसे सिंप्लीफाई हुआ, ओके। तो कहने का मतलब है कि पावर निगेटिव हो या पॉजिटिव हो आप यूज कर सकते हैं फर्स्ट लॉ को, वैसे ही सारे लॉ में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे यूज करना है, ये प्लस माइनस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, ये सही तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ डिवीजन का है, ठीक है, यदि बेस बराबर है लेकिन हम डिवाइड किए हुए हैं तो नीचे का जो पावर होता है वो ऊपर वाले में से सबट्रैक्ट हो जाता है, मीन्स एम माइनस एन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है यहाँ पर 3 to the power 4 और हम क्या कर रहे हैं कि डिवाइड कर रहे हैं 3 to the power 2 से,
तो इसको हम लिखेंगे सिंपली ऐसे, देखिए दोनों का बेस बराबर है, मीन्स 3 और 3 यहाँ बराबर है, तो 3 का पावर क्या करेंगे, 4 जो ऊपर है उसको पॉजिटिव रखेंगे, 2 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 to the power 2 मीन्स 9। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब निगेटिव पावर रहेगा तब भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं आप, कैसे, 9 to the power मान लीजिए है आपके पास माइनस, प्लस में लेते हैं ऊपर 4, ठीक है, और नीचे ले लेते हैं 9 to the power -5, तब क्या होगा यहाँ पर, तो बिल्कुल यहाँ पे कैसे ऑपरेट करना है कि 9 to the power एकदम ठीक वही करना है, माइनस ही करना है आपको, ठीक है, तो 9 to the power बेस तो लेंगे ही नहीं, उसके बाद से ऊपर पावर 4 है, फिर माइनस करेंगे, ब्रेकेट में ले लीजिएगा ये, क्योंकि -5 है ना, तो -5, तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर जो -5 है उसको हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस किया हुआ है 4 में से। अब यहाँ पे होगा क्या, ऑपरेट करने का तरीका आप जानते हैं बिल्कुल, पहले ब्रेकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, पॉजिटिव होता है मल्टीप्लाई करने पर, तो 4 + 5 हो जाएगा जो कि 9 to the power 9 आएगा, ठीक है, और 9 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 9 में ही, तो कितना आएगा, जो भी आएगा कर लीजिएगा देख लीजिएगा। खैर तो हम समझ गए हैं कि कैसे ऑपरेट करेंगे जब डिवीजन रहेगा तब भी, इसी लॉ को, ठीक है, लेकिन ये जो सेकंड लॉ है बस यही कहता है कि दी बेस बराबर है तो जो डिनोमिनेटर में जो एक्सपोनेंट रहता है वह ऊपर वाले मतलब न्यूमिनेटर वाले जो एक्सपोनेंट है उसमें से घटा देते हैं, दैट्स इट। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ में क्या है कि यदि एक कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, और ऐसा दिया हुआ है a to the power m whole to the power n, तो क्या होगा, a to the power m into n हो जाएगा, मतलब दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि यहां पर मैं लिखता हूं 2 to the power लेट अस सपोज 4 है, होल टू द पावर 2 है, तो क्या कर सकते हैं इसको ऑपरेट करते समय 2 to the power 4 into 2 कर देंगे, 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 4 to the 8, माने mn का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है m और n में, ठीक है। यदि निगेटिव रहेगा कोई एक, क्या तब भी मतलब पॉसिबल है, बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्टली करेंगे, लेकिन ब्रेकेट को लगा करके सॉल्व करिएगा बस, और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 4 to the power -2 है और इसका होल टू द पावर है -8, तो कैसे करेंगे आप, ठीक वैसे ही 4 to the power देखिए -2 और -8 में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -2 multiplied by यहाँ ब्रेकेट लगाना पड़ेगा -8, ठीक है, ब्रेकेट हमेशा लगा दीजिएगा क्योंकि दो साइंस को मतलब दो जो मल्टीप्लाई है या नेगेटिव है या पॉजिटिव है सबको एक साथ नहीं लिखते, ठीक है, ये मतलब तरीका अच्छा नहीं रहता। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव में मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और 4 to the power हो जाएगा 8 to the 16, तो 4 to the power 16 आ गया यहाँ पर। तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर ये कैसे ऑपरेट होता है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ लॉ एंड द लास्ट लॉ, ठीक है, जो आपके क्लास 9th में RD सर्वे में दिया हुआ है, यही लास्ट लॉ है फोर्थ लॉ। तो फोर्थ लॉ क्या कहता है, इफ AB आर रियल नंबर्स, यदि AB दो रियल नंबर्स हैं और MN आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन इतना बराबर इतना होता है और इतना बराबर इतना होता है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कहने का मतलब यहां पर है कि AB यदि रियल नंबर्स हैं और MN पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो जरूरी नहीं कि पॉजिटिव इंटीजर्स हुए हों, नेगेटिव रहेगा तब भी चलेगा, ठीक है। यहां पर पता नहीं क्यों ये पॉजिटिव इंटीजर्स ही बोला है, लेकिन नेगेटिव पे भी ठीक वैसे ही अप्लाई होता है, ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा नॉलेज जानिए सही रहेगा, आपके पास जितना ज़्यादा अच्छे से इंटेलिजेंस बढ़ेगी इसके बारे में उतने ही अच्छे से आसानी से क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं इस पे बेस्ट क्वेश्चंस बता देता हूँ कुछ एग्जांपल्स। तो इसी के लिए सपोज कर लेते हैं 2 to the power 2 into 3, हाँ 2 into 3 करते हैं और होल टू द पावर ले लेते हैं 8, मान लीजिए ऐसा है तो क्या होगा, होगा ये कि 2 का पावर 8 हो जाएगा यहाँ पर रेज और 3 का पावर हो जाएगा 8, मतलब कि जो एक्सपोनेंट है वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बेस में, जितने भी बेस में नंबर्स रहेंगे उन सब में जो एक्सपोनेंट है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इतना बराबर इतना, लेकिन जब इतना दिया रहेगा तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों जानिएगा, ठीक है, दोनों प्रोसेस। तो जैसे कि इस हिसाब से हम बोल रहे हैं तो ऐसा दे सकता है कि 6 to the power 2 multiplied by 2 to the power 2, ये ऐसा दिया हुआ है तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए पावर यहाँ पर सेम है, पावर जब सेम रहेगा तो हम क्या करेंगे कि बेस को मल्टीप्लाई करके
एक ब्रैकेट में लेकर के कॉमन पावर जो है दोनों का जो रहेगा वो ले लेंगे, अरेंज कर देंगे। मतलब कि इसको हम ऐसा लिख देंगे 6 × 2 होल टू दी पावर क्या रहेगा 2। तो यहाँ पर ऐसे गया, तो मतलब कि कहने का मतलब यह है कि यदि ऐसा रहेगा ए बी टू दी पावर एन रहेगा तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं ए टू दी पावर एन इंटू बी टू दी पावर एन, या फिर यदि ऐसा दिया रहेगा तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई करके बेस को मल्टीप्लाई करके पावर जो है कॉमन ले सकते हैं। तो दोनों को ऑपरेट कर सकते हैं आप जैसे क्वेश्चन में जैसा जिस तरीके से रहेगा जो करना रहेगा उसके हिसाब से, ठीक है। ठीक वैसे ही यहाँ पर, अच्छा एक और बात, निगेटिव जब नंबर्स लेंगे तब भी क्या अप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं कुछ नंबर, जैसे कि 2 का पावर ले लेते हैं हम -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 to the power -3। तो यहाँ पर कैसे ऑपरेट करेंगे, तो यहाँ पर भी डायरेक्टली ऑपरेट करिए बिल्कुल, सॉरी ये -3 ले लिया मैंने, -3 नहीं लेना, मतलब पावर को सेम रखना है। तो ये देखिए पावर दोनों सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब पावर अलग पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स 2 × 4 करेंगे और इन दोनों के पावर में लगा देंगे जो कॉमन पावर रहेगी, मतलब 4 × 8 का पावर हो गया -2। अब यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए जो आप सेकेंड ला पढ़े थे कि निगेटिव पावर आता तो क्या होता है 1/8 to the power 2 हो जाता है, मतलब पॉजिटिव करते हैं इसको पहले और इक्वल टू 1/ मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 × 64, ये आंसर आपका है। तो मतलब कि निगेटिव रहेगा तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस लॉ को, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे इसके हिसाब से कि कैसे ऑपरेट होगा, मीन्स ए बाई बी का होल पावर यदि एन है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का पावर जो है सेम एक्सपोनेंट दिया हुआ है तो हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब न्यूमरेटर का पावर भी वही हो जाता है फिर और डिनोमिनेटर का पावर भी वही हो जाता है, मतलब ऐसा कर सकते हैं हम। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है कि 2/3 और होल टू दी पावर दे दिया 2, बोला कि सॉल्व करिए इसको सिंप्लीफाई करिए, तो करना क्या होगा कि अलग अलग जो है न्यूमरेटर का पावर जो है 2 रेज कर दीजिए और 3, यहाँ पर 3 का पावर 2 रेज कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए 2 × 4 और 3 × 9 4/9। और यहाँ पर ठीक निगेटिव रहेगा तब भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे -2 होता तो हर जगह निगेटिव हो जाता, बस इतना ही करना पड़ता। जैसे कि एक एग्जांपल ले ही लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर रहे, जैसे कि मान लीजिए कि 2/3 है और यहीं पर मान लीजिए कि -2 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर अलग अलग करेंगे पहले, तो 2 to the power -2/3 to the power क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ पर कैसे ऑपरेट करेंगे, तो 2 to the power -2 आप पढ़े थे सेकेंड लॉ से कि 1/2 करना पड़ेगा होल अपान, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, इतना कर दिया सेकेंड लॉ से, और ये जो है इसको मैं करूंगा 1/3 to the power 2, तो ये बन हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/9। और एक और बात यहां पर है कि यदि ऐसे करके दिया रहता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, समझ लीजिए a/b/c/d यदि ऐसे रहेगा तो D जो सबसे नीचे वाला रहता है सबसे ऊपर वाले मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में रख देते हैं, मतलब इतना बराबर हो जाएगा a d upon, और जो बीच बीच में रहते हैं उनको एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि AD upon BC ऐसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 9 ही रहेगा, अपान 4 × 4 मीन्स 4 ही रहेगा, क्लियर। पहली जो एक्सरसाइज है आर डी शर्मा की क्लास 9th की जो चैप्टर 2 है, पहले एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। तो यदि आपके क्वेश्चंस फंसते हैं या कोई भी प्रॉब्लम ऐसी आती है तो उसका भी मैं सोल्यूशन दिया हुआ हूँ, आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ऐसे वीडियो तभी आप पा सकते हैं नोटिफिकेशन के जरिए। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए, मुझे बताते रहिए कि आपको क्या चाहिए, कौन से क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए या फिर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।